तो लास्ट टॉपिक में हमने बात की पेस्ट एज ए पिक्चर के बारे में। तो क्या हुआ कि इसकी एक पिक्चर बना देता है जिसको हम उठा के अपने रिपोर्ट्स में आसानी से रख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर रखा हुआ है। बट ये रिपोर्ट्स मेरे डेटा से कनेक्टेड है कि जब मेरा ये डेटा चेंज होगा तो हमारी रिपोर्ट ये जो समरी है वो भी चेंज होगा। तो ऐसा कैसे किया गया, मतलब कि मैं अगर यहाँ पे कुछ चेंजिंग करूँ तो मेरा पिक्चर भी चेंज हो जाए। लेकिन जब नॉर्मल पेज से पिक्चर करते हैं तो चेंज नहीं होता है। अगर आपको पिक्चर विथ लिंक चाहिए कि आपका पिक्चर भी हो और आपके डेटा से लिंक भी हो, तो उस केस में हम करते हैं पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, सबसे लास्ट ऑप्शन पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। अब यहाँ जो हम करेंगे इसको इस तरह से छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। अब कल के डेट में नॉट इन वैल्यू, जैसे 90 जो है 1900 हो गया, वो भी चेंज होगा। और सिर्फ नॉट इन वैल्यू, आपकी फॉर्मेटिंग भी चेंज होती है। जैसे आपने मान लीजिए रवि को हाईलाइट कर दिया डिफरेंट कलर, तो यहाँ भी डिफरेंट कलर हो जाएगा। और सेम शीट अनदर फाइल। लेकिन अगर कुछ डेटा अपडेट हुआ तो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नया डेटा ऐड हुआ, जैसे मैं यहाँ पे अंकित जी का नाम लिख देता हूँ, शायद अंकित जी बुरा नहीं मानेंगे। नहीं सर। यहाँ पे हमने नंबर डाल दिया। अब प्रॉब्लम है कि अब ये तो मेरे डेटा में ऐड हुआ नहीं, क्योंकि जब मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो 10 तक था, अब 11 ऐड हो गया। तो क्या मुझे दोबारा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा? देखिए, दोबारा कॉपी पेस्ट करने को तो आप कर सकते हो, लेकिन दोबारा कॉपी पेस्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको अलग अलग साइज अलग अलग शेप में देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए तो क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए हम अपने इसको छोटा करते हैं। सबसे पहले जगह फिट करता हूँ मैं इसको, और यहाँ जब भी कोई भी, देखिए जब भी कोई भी ही ऑब्जेक्ट हो या डेटा हो या किसी भी तरह का चीज़ हो एक्सेल में, जब वो किसी और से लिंक होता है तो फॉर्मूले के साथ लिंक होता है, बगैर फॉर्मूला लिंक हो ही नहीं सकता। तो आप जब इसके पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ एक एड्रेस दिखेंगे A1 से F10। ये आपके डेटा का ओरिजिनल लिंक है कि डेटा कहाँ से कनेक्टेड है। अब मुझे बस कुछ नहीं करना है, F10 को F11 कर देना है। जैसे मैंने F11 किया, ये देखिए यहाँ पे अंकित जी आ गए अंकित जी। हाँ जी। ओके